पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से सरप्राइज मुलाकात की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 मैच से पहले धोनी जीएससीए स्टेडियम पहुंचे और टीम इंडिया के क्रिकेटरों से मिले। स्टार बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन महेंद्र सिंह धोनी से टिप्स लेते दिखाई दिए। टीम इंडिया वनडे सीरीज में पहले ही क्लीन स्वीप कर चुकी है। अब धुरंधर धोनी के टिप्स यंगिस्तान के इरादों को और मजबूती देंगे। चाकू की बात सुनते ही सबके जहन में एक नाम आता है और वो है रामपुरी चाकू। यही रामपुरी चाकू उत्तर प्रदेश के रामपुर की पहचान है। रामपुर की पहचान कराने वाले इस रामपुरी चाकू का मॉडल अब जिले के जौहर चौक पर लगाया गया है, जो शहर की शोभा को बढ़ा रहा है। रामपुर के जौहर चौक पर लगे इस रामपुरी चाकू का साइज 20 फीट है। वहीं वजन की बात करें तो ये 8.5 क्विंटल से ज्यादा है। ब्रास और स्टील से बने इस चाकू को बनाने में करीब 35 लाख रुपए का खर्च आया है। रामपुरी चाकू अपने आप में मशहूर है और यही वजह है कि रामपुरी चाकू के मॉडल को जौहर चौक पर लगाया गया है। ये जो रामपुरी चाकू बनाया गया है, इसमें इसका साइज है अराउंड 20 फीट बाई 3 फीट और ये जो है ये 3D एक स्कल्पचर है और इस स्कल्पचर में हमने मिक्स मेटल का इस्तेमाल किया है। यूपी के प्रयागराज में चल रहे माघ मेला में धुनी रमाए साधु संत आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। साधुओं की साधना देखने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से प्रयागराज आ रहे हैं। बसंत पंचमी से साधुओं की विशेष साधना भी शुरू हो गई है। साधुओं का कहना है कि साधना का उद्देश्य मन की शुद्धि के साथ साथ विश्व कल्याण की कामना भी है। जब एकदम भीषण गर्मी पड़ती है, 46 डिग्री तापमान होता है, कहीं 50 डिग्री होता है, उसी इतने तापमान में सब लोग धुनी तापते हैं। बहुत कठिन तपस्या होती है और देश हित के लिए, जन कल्याण के लिए ये सब संत भगवान, संत महात्मा जो है धुनी तपते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा जम्मू के पास पटनी टॉप का है। इन दिनों पटनी टॉप समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। कुदरत के इस श्रृंगार ने पूरे इलाके की तस्वीर को मनमोहक बना दिया है। कुदरत के इस अनुपम नज़ारे को देखने के लिए पटनी टॉप में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ कड़ाके की सर्दी है लेकिन पर्यटकों का जोश हाई है। मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। चांदनी जा मैं तेरी चांदनी। अगर आप कला के शौकीन हैं तो ये तस्वीर आपके लिए बेहद खास है। इस कलाकारी का नाम है पेपर मैशे। इस पेपर मैशे आर्ट को नया जीवन देने की कोशिश हो रही है ताकि आने वाली पीढ़ी इस कला से रूबरू हो सके और इस कला को संजो कर रखे। पेपर मैशे कश्मीर के सबसे पुराने शिल्पों में से एक है। पेपर मैशे का सामान पेपर पल्प से बनाया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल होने की वजह से इन्हें आसानी से खरीदार भी मिल जाते हैं। दरअसल कागजों को गलाकर उसे लुगदी के रूप में तैयार किया जाता है। इसके बाद फूले हुए कागज को कूटकर उसमें गोंद, नीना और थोथा का इस्तेमाल कर पेस्ट बनाया जाता है और उससे कलाकृतियां तैयार करना पेपर मैशे आर्ट ही कहलाता है।